हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आपके पास वीवो कंपनी का कोई भी मॉडल का मोबाइल है और आप उस मोबाइल पर वीवो के मोबाइल पर ई वारंटी कार्ड को इनेबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने वीवो के मोबाइल पर ई वारंटी कार्ड को कैसे इनेबल कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीके से लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर सेटिंग को ओपन कर लेना है। आप जैसे सेटिंग को ओपन कर ले तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक दिखाई पड़ेगा सिस्टम मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है कस्टमर सर्विस पर। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है ई वारंटी कार्ड, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा फ़ोन का जो मॉडल है वीवो 1901 और IMEI कोड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके जो मैंने इसको इनेबल कर लिया है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर योर ई वारंटी कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विस इक्विवेलेंट टू पेपर वारंटी कार्ड। ए पेपर कार्ड वारंटी नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम्स ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस कराने के लिए जाते हैं, मोबाइल आपका कोई भी दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो सर्विस सेंटर पर जाएंगे। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है, जो कागज़ का कार्ड होता है, अगर वो नहीं है, तो आप इस कार्ड को दिखा कर सकते हैं, ई वारंटी कार्ड दिखा करके भी सर्विस करा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसको करने के लिए आप कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने मॉडल नंबर डालना होता है और IMEI नंबर डालना होता है, उसके बाद आपका ई वारंटी कार्ड, कुछ थोड़ी सी आपको जानकारी देनी पड़ती है, अपने नाम, किस दुकान से परचेज किया, कहाँ से क्या किया, इतना कर देने के बाद आपका ई वारंटी कार्ड इनेबल हो जाता है, जो बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से आप वीवो के किसी भी मोबाइल पर ई वारंटी कार्ड को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।